और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। और 5 राज्य विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है, सुबह 8 बजे से 1 मिनट ऊपर हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। यूपी और उत्तराखंड न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का पूरा फोकस दोनों ही राज्यों में लगातार बना हुआ है। तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनावी रुझानों का दौर शुरू हो चुका है। कौन आगे, कौन पीछे, कौन जीता, कौन हारा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हर एक अपडेट लगातार आप देखते रहिएगा और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ लगातार बने रहिएगा। पल पल की अपडेट, पल पल की खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आज फैसले की घड़ी है और फैसले का दिन है। शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर किसके पाले में जीत की खुशी है और किसके पाले में आंसू लिखे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 5 राज्यों में भारी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा और उत्तराखंड 70 विधानसभा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कहा था कि 300 के पार बीजेपी जाएगी। एग्जिट पोल में भी 300 से ज्यादा की सीटें मिलती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है भाजपा को। वहीं उत्तराखंड में 60 पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रही, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर पूरी तरह से फोकस रहेगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का। पल पल की अपडेट देखने के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे जगह जगह पर मौजूद हैं। जहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है वहां वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है, उनसे पल पल की अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखा रहे हैं, जो पहले से ही ये तय करके बैठे हैं कि उनकी जीत पक्की है। लेकिन किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। तो यूपी की हस्तिनापुर सीट पर जो बीजेपी है वो आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रही है। यूपी की हस्तिनापुर विधानसभा सीट जहां से बीजेपी रुझानों में आगे नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल की हम मारे तो सारे चैनल्स के जो एग्जिट पोल थे वो ये बता रहे थे कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी की वापसी हो रही है। लेकिन आज फैसले का दिन है, आज स्थिति साफ हो जाएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यूपी की अगर हस्तिनापुर सीट की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। भारी सुरक्षा आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, अर्ध सैनिक बल जो है वो भी मौके पर मौजूद है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम सुबह से ही किए हुए हैं। तो पल पल की तस्वीर, पल पल का अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं क्योंकि जनता ने जिस ढंग से मतदान किया है उसको लेकर मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सदर विधानसभा से रामरतन कुशवाहा विजयी होने वाले हैं। और मतगणना के पूर्व जो जोश लोगों में है और मैं आते समय लोगों ने जिस ढंग से मुझे अग्रिम बधाइयाँ दी हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कहीं से भी जरा सी भी शंका चुनाव में नहीं है। और निश्चित रूप से ललितपुर की सदर सीट से कम 1,00,000 वोटों से जीतने की मुझे। पहले तो आपके माध्यम से ललितपुर के जनपदवासियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बधाई। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ललितपुर में हम लोगों ने जो कार्य किए हैं, क्षेत्र में जनता से मिले हैं तो काफ़ी उनका आशीर्वाद सहयोग मिला है। और जो जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, आज अंतिम दिन है, आज रिजल्ट भी आना है, तो आप लोगों को खुद का खुद रिजल्ट से साफ हो जाएगा कि क्या किया है। जनता यहाँ की चाहती है और जानती भी है कि हम लोगों को क्या करना है। जो वर्तमान में सरकार रही है उन्हें कितने प्रकार की झूठे वादे किए हैं वो उसी प्रकार से यहाँ का रिजल्ट भी। तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में मतगणना शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल हैं कांग्रेस से और संदीप चौधरी सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में।
तो मैंने पहले भी कहा था जब चर्चा हम कर रहे थे मतदान के दिन कि मैं आप सभी लोगों को जरूर न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर इनवाइट करूंगी, आप सभी लोगों को बिठाऊंगी और आज वो मौका है। संजीव जी, एग्जिट पोल में तो आप बहुत पीछे रह गए हैं लेकिन आज रुझान आने शुरू हो गए हैं, पहली टिप्पणी बताइए। एक तो मैडम ये आपकी आवाज इधर से आ रही है, किसी चीज की आवाज जो है झंझन आ रही है। संजीव जी संजीव जी क्या आप ठीक आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज कुछ आवाज झंझन आ रही है, कुछ आवाज उधर से आ रही है। ठीक है संजीव जी, संजीव जी समस्या का समाधान जल्दी हम निकालेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एग्जिट पोल में तो बहुत पीछे रह गए आप लेकिन आज फैसले का दिन है, क्या उम्मीद है? देखिए समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है क्योंकि जनता ने वोट किया है। देखो ये आवाज आपकी दोबारा आने लगी है, एक बार बंद हो गई थी, इस आवाज को बंद कराइए, एक डीप की आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पीसीआर टीम से कहूंगी कि आवाज ठीक कर लीजिए, हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उन्हें समस्या हो रही है। हो चुकी है और इस समय हम राजधानी दफ्तर में है, ये प्रदेश कार्यालय आप देख सकते हैं, प्रदेश कार्यालय में सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। साथ ही अब सुबह का मौका है तो साथ ही बीजेपी के तमाम नेता भी आना यहां शुरू कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि अब ये जीत को लेकर भी पूरी तरीके से अस्वस्थ बीजेपी नजर आ रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर जीत को लेकर कितने अस्वस्थ, क्या लग रहा है कि एक बार फिर आपकी सरकार बनेगी? कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व और धामी जी के सुंदर काम, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का काम, 7 साल तक केंद्र का काम, आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड के अंदर आने वाली है। क्या लगता है सर जो 2017 में सुबह 9 बजे तक तस्वीर साफ हो गई थी वो इस बार भी होगी? निश्चित रूप से ऐसे सुखद परिणाम आने वाले हैं, आप भी और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खुश हैं? क्यों नहीं खुश, क्यों नहीं होंगे, काम किया है 5 साल तक 7 साल तक और जो अनुमान है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो हमारे नेताओं के द्वारा रैलियाँ, इतना सारा जनता के लिए जो विकास का काम है उसे देख कर हम पूरे आशान्वित हैं। ठीक सर, तो ये थे हमारे साथ विनोद सोयाल जो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय है ये प्रदेश का और बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही जो चहल पहल है वो शुरू हो चुकी है और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आना शुरू कर रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। साथ ही एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि उस स्क्रीन के ज़रिए लोगों को पता चल सके कि क्या उनकी सत्ता में वापसी हो रही है या फिर इस बार जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि शुरुआती जो दौर है यानी कि शुरुआती जो रुझान है वो कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तस्वीरें भी साफ होती नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस के साथ सुभाष को और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देहरादून साथ बने हुए हैं। संजीव जी आपसे मैं ये पूछ रही थी कि एग्जिट पोल में तो सपा बहुत पीछे रह गई है लेकिन आज फैसले की घड़ी है, आप कह रहे हैं कि भारी बहुमत से सपा जीतने जा रही है। देखिए मैं ऐसा नहीं है कि सम्मानित मीडिया पे मैं सवाल उठा रहा हूँ, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया है मगर पूरे 2.5 लाख से 2.75 लाख वोट पड़ा है एक विधानसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभा 2.5 लाख से 2 लाख से लगा के 3 लाख तक वोट पड़ा, तो इतने लोगों से तो पूछा जा नहीं सकता, ऐसा तो संभव है नहीं। इसलिए कुछ लोगों से रास्ते में 10 लोगों से 20 लोगों से चलते हुए पूछ लिया, अब उन्होंने जा पता लगा कि वो बीजेपी के मिल गए, पता लगा वो समाजवादी के मिल गए, तो उससे ये क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है, अभी आप समय आने दीजिए, हम आगे चलेंगे, हम सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार गठबंधन की बनने जा रही है, समाजवादी और गठबंधन की। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दबाव बनाने का काम कर रहे थे, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे थे, ये इन्हीं का काम है। जब जनता पे इनकी पार नहीं बसाई, पहले तो इन्होंने जनता के साथ छेड़छाड़ किया, पहले तो इन्होंने चुनाव के टाइम में जब चुनाव चल रहा था पहले चरण से, तो इन्होंने जनता के साथ छेड़छाड़ किया। लेकिन जनता जब इनके काबू में उत्तर प्रदेश की नहीं आई, जब जनता काबू में नहीं आई तो इन्होंने ईवीएम, बैलेट पेपर, अधिकारी सबको छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और ये केवल और केवल इनका झूठा पुतला, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई काम किया नहीं, केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, चीन,
यही इस तरीके की बातें करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस ये देश न तो चीन पाकिस्तान से चलेगा, न ये देश हिंदू मुसलमान से चलेगा, न ये मंदिर और मस्जिद से चलेगा। ये देश चलेगा विकास से, ये देश चलेगा नौजवानों को नौकरी देने से, ये देश चलेगा किसानों की खुशहाली लाने से, ये देश चलेगा इस देश की तरक्की कैसे हो। और सपा वो सारी खुशहाली लेकर आएगी आम जनता के लिए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खुशी खुशी थी, गम तो जरा भी नहीं था। जी जी, जरा दोबारा बोल दीजिए। ठीक है संजीव जी, आपके पास आ रही हूँ। कुछ प्रतिक्रियाएं लगातार हमारे साथ आ रही है और हमारे पास आ रही है। लोकतंत्र का महापर्व है, परसों से कुछ राजनीतिक दल आशंकाओं में यहाँ मंडी पर आए थे और वो मंडी की निगरानी कर रहे थे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिस दिन से हम लोगों ने EVM पूल की है, जितने भी कैंडिडेट थे उनके प्रतिनिधियों को हमने अलाउ किया हुआ था, वो अंदर रह करके सारे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे थे। जागरूक होना, सतर्क होना एक अच्छी बात है। आज मतगणना अभी 8 बजे से प्रारंभ होगी, 7 विधानसभाओं की मतगणना यहाँ मंडी परिसर में होंगी। अंदर हाल में CPMF की तैनाती की गई है, उसके बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हमने सभी राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, उनके साथ बैठ करके संवाद किया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को उनको भली भांति अवगत करा दिया गया है। उनको ये भी बता दिया गया है कि जीतने के बाद कोई जुलूस नहीं निकलना है, कोविड के गाइडलाइंस का पालन किया जाना है। और सब लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि कानून सम्मत विधि सम्मत हम कार्य करेंगे। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और बैलेट पेपर की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही पलों में जो पहला रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर लगातार पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए। यूपी में चुनावी रुझान आना शुरू हो गया है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। अब यूपी में 7 सीटों पर BJP आगे बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको बता रहा है, यूपी में कुछ सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं और अभी यूपी में 13 सीटों पर BJP आगे बताई जा रही है। तो तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर स्वामीनाथ जायसवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। पंजाब में भी देख रहे हैं कांग्रेस 4 सीट पे आगे चल रहा है और उत्तराखंड में भी पीछा चल रहा है और आने वाला इससे अभी तो शुरुआत हुआ है, ये रिजल्ट नहीं अभी आ गया कि आप निर्णय ले सकती हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन जो आगे जाता है। ठीक है ठीक है स्वामीनाथ जी, यहाँ मैं रोकूंगी आपको। एक बहुत बड़ी जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है जहाँ पर 9 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। वहीं BJP 5 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है जहाँ पर 9 सीटों पर कांग्रेस, तो वहीं 5 सीटों पर BJP आगे चल रही है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी। अगर रुझानों की हम बात करें तो अच्छा खासा बहुमत जो है वो कांग्रेस को उत्तराखंड में मिलता हुआ नजर आ रहा था और जिस तरह से पहले रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है तो वहीं 5 सीटों पर BJP आगे बताई जा रही है। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी का मैं रुक करूंगी। स्वामीनाथ जी, उत्तराखंड में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, 9 सीटों पर आगे चल रही है। मैं सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता जनार्दन का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जिन्होंने सही चुनाव किया और उनका नेतृत्व परिवर्तन और देश की एकता और अखंडता भाईचारे के लिए अपना मताधिकार किया और उसका परिणाम स्वरूप आज रिजल्ट आएगा और सब जनता जो अपना मताधिकार का प्रयोग किया उसका आज रिजल्ट की बारी है और अभी तो शुरुआत चल रही है और रुझान से नहीं होता है।
और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है आपको, रोकूंगी मैं खटीमा से, पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड का, पल पल का अपडेट लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जहां कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है, बीजेपी 5 सीटों पर आगे, तो वहीं खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और लगातार स्वामीनाथ जायसवाल जी से हम बात कर रहे थे, जायसवाल साहब पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे खटीमा से? अरे भाई वो सीएम है, अभी तो आगे चलेंगे, पाछे पीछे कैसे हटेंगे देख लीजिएगा। अभी अभी तो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है, और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, और रिजल्ट अब कहां अंगड़ाई है और कहां लड़ाई है, आज तो परिणाम का दिन है। ना तो परिणाम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और गोवा में और पंजाब में भी, और कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी, और कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में अपने सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ेगी। स्वामीनाथ जी, और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त होगी कांग्रेस की? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त होगी। फिर कैसा है? अभी तो उत्तर प्रदेश में खुलेगा पिटारा, तब पता चलेगा कि जमानत जब्त होगी कि क्या होगा। अभी तो शुरुआती दौर है, इसमें मतगणना जब खुलना शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा कि किसका जमानत जब्त होता है। दुबे साहब, क्योंकि दुबे साहब, उत्तराखंड में कांग्रेस आगे चल रही है। दुबे साहब क्या हमारे साथ बने हुए हैं? तो दुबे जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी आगे हैं, तो वहीं अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो 9 सीटों पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है, 5 सीटों पर बीजेपी आगे बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है, उसके बाद ईवीएम की गिनती भी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 31 सीटों पर आगे, एसपी 16 पर आगे चल रही है, बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 403 में से 48 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 31 पर बीजेपी आगे, 32 पर बीजेपी आगे और एसपी 17 पर, वहीं बीएसपी 1, कांग्रेस 0 है, अन्य भी 0 है। पल पल का अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 33 पर आगे, एसपी 18 पर आगे, बीएसपी 1 पर, 52 सीटों की हम बात कर रहे हैं 403 में से। तो उत्तर प्रदेश की अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तमाम प्रत्याशी, आज फैसले की घड़ी है, धड़कने तेज है, रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। और पहले रुझान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, एसपी 19 पर, बीजेपी 37 पर, बीएसपी 1 पर। यानी कि अगर अब तक हम एग्जिट पोल की तरफ नजर डालें तो एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। संजीव जी लगातार मेरे साथ बने। संजीव जी, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, सपा तो बहुत पीछे रह गई। अभी और एक घंटे के बाद, एक घंटा आने दीजिए, बीच जाने दीजिए, बीजेपी बहुत पीछे पहुंच जाएगी, बीजेपी बहुत पीछे पहुंच जाएगी। अभी मशीनों को खुलने दीजिए, अभी मशीनें खुलने दीजिए। अभी तो ये बैलेट पेपर की, बैलेट पेपर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मर्जी से डाले। अच्छा, अगर अगर एसपी एसपी आगे हो रही होती तब भी आप ये कहते? मैडम आपकी ना आवाज, दीप की आवाज आ रही है, इसको बंद करो। आप अपनी बात रखिए, समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। संजीव जी अपनी बात रखिए आप। बैलेट, फिर आपकी आवाज आने लगी है, दीप की भी आवाज चल रही है बहुत ज्यादा। अपन हो भी, अपन हो भी। संजीव जी बोलिए। देखिए, बैलेट पेपर की जो गिनती, बैलेट पेपर की जो वोट डली है, देखो दोबारा फिर चालू हो गई है, इसको बंद कराओ परमानेंट। दाऊ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का, पदाधिकारियों का,
हाथरस विधानसभा की समस्त जनता का जिन्होंने इतना ढेरों आशीर्वाद शुभकामनाएं सुभाशीष मुझे दी हैं। मैं कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त कर सकूं। और आज क्योंकि मतगणना स्थल पर मैं आ गई हूँ, बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ, दंडवत करती हूँ और ये मांग करती हूँ कि आज मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दें ताकि मैं यहाँ हाथरस विधानसभा में काम कर सकूँ। तो अपने मेहमानों के पास वापस जाऊं से पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है कुंडा से, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आगे चल रहे हैं, मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे, थाना भवन से बीजेपी के सुरेश राणा आगे, छाता से लक्ष्मी नारायण आगे चल रहे हैं, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता आगे चल रहे हैं, वहीं सांपुर से सपा के आजम खां आगे चल रहे हैं, अमेठी से बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो कौन कौन आगे चल रहा है एक बार फिर से आपको बता दो, कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आगे हैं, मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे, थाना भवन से बीजेपी के सुरेश राणा आगे, छाता से लक्ष्मी नारायण आगे चल रहे हैं, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता आगे, वही रामपुर से सपा के आजम खां आगे चल रहे हैं, अमेठी से बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबे साहब, अगर बात की जाए पहले रुझानों की तो बीजेपी ने सबको पछाड़ दिया है, बहुत आगे है बीजेपी। मैडम सबसे पहले तो आप ये बंद कराइए, आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। संजीव जी, पहले तो ये संजीव जी आप अपनी बात रखिएगा, देखिए समस्या है उसे जल्दी हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दुबे साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, न्यूज वर्ल्ड इंडिया को बधाई देना चाहता हूँ, देश उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को जिन लोगों ने हमेशा सत्य को चुना और ये बुराई पे सत्य की जीत है। जो लोग दूसरे को गाली देने की नीति बना के राजनीति करते हैं, दूसरे की बुराई करके राजनीति करते हैं, जरूरी है कि लक्ष्य हो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए निर्धारित हो और बेहतर काम हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता का दिन है और हम लोग एक दूसरे की आलोचना करें। मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी के मित्र बुरे हैं, निंदक नियरे राखिए जामे कुटुंब छवाए, तो ये तो हमारी ऐसी परंपरा भारत की रही है। विपक्ष इस तरह की बातें कर करके हम इनसे सीखें बराबर, विपक्ष कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो। बिल्कुल, और दुबे साहब देखिए उत्तराखंड में बीजेपी हम आते हैं, इसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश की जनता जीत रही। दुबे साहब उत्तराखंड में बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 सीटों पर आगे, सपा 30 पर, बसपा 4 जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आगे चल रही, बसपा को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर बढ़त जो है वो बीजेपी की बनी हुई है। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम देखें तो बीजेपी पीछे क्यों है कांग्रेस से? दुबे साहब देखिए उत्तराखंड में गया था, वहां की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है आप देखेंगे कि अभी वहां की जो जनता थी, वहां की जनता में हमने कुछ समय पहले ही वहां नया मुख्यमंत्री हम लेके आए थे पुष्कर जी को, और पुष्कर जी ने बेहतर वहां काम किया, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करी। हाँ थोड़ी बहुत नाराजगी थी, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, थोड़े लोग हमारी सरकार से, और हो जाता है वहां पे हर साल परिवर्तन होता है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दुबे साहब आपने कहा हर साल परिवर्तन होता है, हर साल परिवर्तन होता है, इस साल क्या परिवर्तन है? परिवर्तन का दिन है आज, वहाँ परिवर्तन नहीं, वहाँ उत्तरांचल में परिवर्तन नहीं होना है, उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी। अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं, आप कह रहे हैं परिवर्तन नहीं होना है, और राजनीतिज्ञों की तरह अपनी पक्ष रखता हूँ और मैं किसी की बुराई नहीं करता, उत्तर वहाँ पे उत्तरांचल में उत्तराखंड में काम हुआ है और लोगों की उम्मीद पुष्कर हो गए थे, मैंने देखा, और पुष्कर पे काफी लोगों वहां की जनता ने विश्वास किया, खासतौर से जब प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हो रहा था और प्रधानमंत्री जी जब भी गए हैं तो वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री जी पे अटूट विश्वास दिया, तो वो जनता की जीत है। आज देखिए हम किसी को कोसने का आज दिन नहीं है, आज उत्सव का दिन है, जनता का दिन है और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का दिन है, क्योंकि उनके अथक प्रयास से जो लोकतंत्र में काफी ईमानदारी से अपने अपने विचार से जुड़े रहते हैं, अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं, और उनकी आज जीत होगी और उन सबको बधाई और हारने वालों को भी बधाई, वो हार को भी ये ना सोचे कि वो हार गए हैं, इस लोकतंत्र में जिंदा रहना, इस लोकतंत्र के लिए लड़ना, इस लोकतंत्र को मजबूत करना, और जो भी अच्छे नागरिक हैं जो
राजनीति में या मुख्य धारा में जुड़ के अच्छा करना चाहते हैं, उन सब अच्छे लोगों का दिन है, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। लोकतंत्र हमारा और जयसवाल साहब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हम जीतेंगे 52 पर आगे, सपा 34 पर आगे, बसपा 4 पर आगे, कांग्रेस 0। देखिए इसमें कांग्रेस की भी कोई दोष नहीं है, कांग्रेस वहाँ दुबे साहब एक मिनट जयसवाल साहब जी से कमेंट ले लेते हैं। जयसवाल साहब जी, क्या हो रहा है यूपी में? कांग्रेस 52 पर बीजेपी, 34 पर सपा, 4 पर बसपा, कांग्रेस 0 पहला रुझान। नहीं, आपके चैनल में नहीं दिखा रहा है और चैनल में दो दिखा रहा है चैनल में नहीं, शायद दिखा रहा है, एबीपी न्यूज मेरे सामने चल रहा है, उस पे दो दिखा रहा जो, है जो पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद बढ़ रही है जयसवाल साहब, उम्मीद बढ़ रही है? उम्मीद तो पूरा बढ़ेगी कि लोग, जनता जनार्दन का आज विश्वास का दिन है, आज लोकतंत्र का त्योहार का सबसे बड़ा दिन है कि जो प्रजातंत्र में लोकतंत्र की विजय का आज घोषणा होगा, सबको स्वीकार होगा और यह परिवर्तन की लहर है। लोग अपने वोट का अधिकार देकर अपने नेता को चुने हैं, आज दिखेगा कि कैसा लोकतंत्र में किस तरह का व्यवस्था के तहत किसको पसंद करते हैं किसको नापसंद करते हैं। आज जनता का जीत होगा, कार्यकर्ताओं की जीत होगी और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार का आज रिजल्ट, परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी, आज रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट आएगा। जयसवाल साहब प्रियंका गांधी इतनी मेहनत कर रही थी, 2019 से उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया था 2022 के लिए, दो सीटों के लिए, आप तो बहुत खुश हो रहे हैं दो सीटों से, चलिए चार भी दिखा देते हैं। सुनिए, अभी रिजल्ट तो अभी आप भी नहीं कह सकती, आप देखी होंगी कई चुनाव कि पहले जिसका बहुत तेज आगे बढ़ता है और कितना पीछे धड़ाम से गिरता है, वो तो ठीक है, रिजल्ट तो अभी ये मत पत्रों का है, जब खुलेगा पेटी और बटम किसका दबा हो दिखेगा। लेकिन प्रियंका जी जिस तरह से मेहनत कर आज भी महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह कितनी, से लड़ाई कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है जयसवाल साहब, कितनी सीटें कांग्रेस? अब देखिए, अब तो सामने परिणाम हम ऐसे अंदाज से नहीं कर सकते कितनी सीट जीत सकते, नहीं जैसे भाजपा 300 पार कह रही है और सपा कह रही है कि हम भी 300 पार लेकर आएंगे, तो कांग्रेस ने भी तो कोई आंकड़ा सोचा होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम कहते कि मैं इतना सीट से जीत रहा हूँ, अब जनता ने जिस तरह से अपना मतों का अधिकार दिया उसके बाद भी किस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं पीपी पैड पकड़ा जा रहा था, कहीं बनारस में पहाड़िया में जिस तरह से देखा गया, ये तो है परंपरागत, लेकिन अब चुनाव का निर्णय जनता कर चुका है, परिणाम आ रहा है, परिणाम आएगा उसका स्वागत होगा और अनुकूल परिणाम आएगा और देश के और प्रदेश के हित के लिए परिणाम आएगा। देखिए पिछली बार कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, इस बार 7 रहेंगी या उससे भी नीचे चली जाएंगी? देखिए आप, ऐसा नहीं है, कांग्रेस को बेहतर सीट मिलेगा और पिछले से तो हम 3-4 गुना आगे बढ़ के आएंगे। आप ऐसा नहीं है कि हमको 7 सीट मिलेगा, जनता ने प्यार दिया है, हम चुनाव जनता के पास पूरे 403 सीट पर गए और चुनाव लड़े हैं, जनता जिसको सराहा है उसको सर आंखों पर लेके चलेगा, लेकिन हम चुनाव हर सीट पर अपने मुद्दों के साथ विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर लड़े हैं, हम जाति धर्म और राम रहीम के नाम पर नहीं लड़े, हम विकास के ऊपर और रोजगार के ऊपर चुनाव लड़े हैं और निरंतर लड़ते रहेंगे, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, ये हमारा लड़ाई मुहिम हमेशा प्रियंका जी जिस दिशा में लेकर चलिए। तो कांग्रेस हारे चाहे जीते अगले 5 साल भी कांग्रेस काम करेगी, जो तेजी हमने कांग्रेस की देखी थी 5 साल पिछले चुनाव इन चुनावों में जो हम देख रहे हैं तेजी, इन चुनावों में जो हम तेजी देखी है कांग्रेस की, वही तेजी हम अगले 5 सालों तक भी देखेंगे, कांग्रेस हारे या जीते वादा करिएगा। 8 तारीख को महिला दिवस पर जिस तरह से लखनऊ में मैराथन हुआ, महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर प्रियंका जी के साथ, अब पूरे देश में मैराथन चल रहा है और देश में जागरूकता, एक महिलाओं का आधी आबादी को ताकत देने का काम कांग्रेस करेगी, अपने हक की लड़ाई महिलाओं को देने का और लड़ने का ताकत देगी और देश में
आधी आबादी का बोलबाला और बढ़ चढ़ के हर पार्लियामेंट से लेके विधानसभा में पूछेगा। ठीक है जसपाल साहब, ठीक है एक मिनट के लिए रोक रही हूँ, कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो दर्शकों को सुना देते हैं। कर दिए और यहाँ सरधना का मैं तो कुछ कहना ही नहीं, आपको पता है यहाँ कम से कम 25,000 से जीत होगी। आज हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं? बिल्कुल, तिलक लगाया हनुमान जी का। और क्या करेंगे हनुमान जी, संकट खत्म? ये सौभाग्य दूसरों को नहीं मिल सकता क्योंकि वे हनुमान मंदिर जा ही नहीं सकते। आप अपनी जीत के लिए कितना हैट्रिक मारने के लिए, कितना आप बताओ आप कितने आश्वस्त हैं? आप बताइए। मैं 100% आश्वस्त हूँ, हैट्रिक 100% लग रही। संजीव जी, संगीत सोम कह रहे हैं कि 25,000 से ज्यादा के मार्जिन से उनकी जीत होगी। संगीत सोम नामी चेहरा, प्रमुख चेहरा। हम आगे चल रहे हैं 97 सीटों पर एकदम से झटका मारा हमने इनको 97 पे आ गए। 97 संजीव जी, 97 पे 24 पे हम आगे चल रहे हैं। मैं चैनल देख रहा हूँ 24, और ये हमसे 10-15 सीट नीचे, अभी ये नीचे आ जाएंगे, एक घंटे बाद ये आधे पे आ जाएंगे, आधे पे। संजीव जी हमें तो ये हमसे आधे पे आ जाएंगे, और हमें तो 48 ही दिख रहा है, हमें तो 48 दिख रहा है, 65 पर बीजेपी दिख रही है। 24 की बताइए, मैं 24 देख रहा हूँ, 24 ये मुझे दिख रहा है। ठीक है संजीव जी, ठीक है, खुशी इस बात की है कि आप खुश हो रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही है। चलिए मुबारकबाद मैं पहले ही दे देती हूँ आपको, और भरोसा आपको बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सपा अभी भी पीछे है, क्योंकि आंकड़े जैसे आपके पक्ष में आ सकते हैं वैसे बीजेपी के पक्ष में भी जा सकते हैं। नहीं, अभी तक जो वोटें खुली हैं, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो वोटें खुली चल रही हैं, ये बैलेट पेपर की वोटें हैं, ये वो वोटें हैं जो डीएम और एसएसपी ने वोट डाली हैं, ये वो वोटें हैं जो जनता ने वोट किया है, वो वोट अब पड़ेंगी, वो वोट अब खुलेंगी, तो ये तो वो वोट अब हमारे सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक। जो डीएम और एसएसपी ने वोट डाली है, बिल्कुल ठीक संजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डीएम और एसएसपी काम कर रहे थे, प्रशासन काम कर रहा था, ये वो वोटे हैं। अच्छा, हमारी जो जनता की वोट है वो अब खुलनी शुरू होगी, उनका रुझान अब से आधा घंटे एक घंटे बाद आना शुरू होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव जी, बिल्कुल सही। तो दर्शकों को बता दूं कि पोस्टल बैलेट जो है वो खुल रहे हैं, और उसी के रुझान जो है वो चल रहे हैं। एक मिनट में बता दूं आपको जी, भारतीय जनता पार्टी ने केवल साइन करा के सरकारी कर्मचारियों से वोट ले ली इनके डीएम और एसएसपी ने, ये एक नहीं, मैं 1,000 सबूत दे सकता हूँ, 1,000 सबूत। तो आपको किस बात का डर है? आपको किस बात, जनता तो आपके साथ है, आपको किस बात का डर है? जनता हमारे साथ है, तो इसीलिए हम बिल्कुल निश्चित है। देखिए अब हम बिल्कुल निश्चित है, जनता की जो वोट खुलेंगी, जनता की जो गिनती शुरू होगी, अभी आधा घंटे बाद शुरू होगी जनता की गिनती, अभी केवल प्रशासन की गिनती शुरू हो रही है, अभी केवल प्रशासन की, वो तो हमको पता था, हमको पता था।